यूक्रेन युद्ध के साथ साथ अब इसराइल और लेबनान की जंग का खतरा मंडराने लगा है। इसराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी के साथ हिजबुल चीफ हसन नसरल्ला ने एक ऐसी शपथ ली जिसके बाद अमेरिका भी टेंशन में आ गया। गाजा से ऐसा वीडियो आया है उसे देखकर हिजबुल्ला बबूला है। गाजा के इस वीडियो में मौत की आग है, ये आग लगातार भड़क रही है। इस वीडियो में इजराइल का कहर है, इस वीडियो में हिजबुल्ला से लिया गया बदला है, जिसकी आग लेबनान फ्रंट की बजाय गाजा में जल रही है। इजराइल बता देना चाहता है कि वो हसन नसरल्ला की धमकियों से नहीं डरता और गाजा में उसकी बमबारी जारी रहेगी। इस आग के बीच बच्चों को बाहर निकालने के लिए आवाज लगाई जा रही है। ये पहले गाजा का एक स्कूल था, बाद में इसे शरणार्थी कैंप में तब्दील कर दिया गया। यहाँ इसराइल की एक एयर स्ट्राइक हुई और मौत वाली आग हर तरफ फैल गई। लोग बदहवास हालत में घायलों को तलाश रहे हैं कि शायद कोई जिंदा बचा हो। सुबह हुई तो लाशें इकट्ठा की गईं, तो पता चला कि 14 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में हमास के चीफ इस्माइल हानिया के भी कई रिश्तेदार हैं। इनमें हानिया की बहन भी थी। इसराइल के हमले में अपने बच्चे को खोने वाली इस महिला के पास अरब देशों के लिए एक मैसेज है। गाजा में इसराइल की बमबारी के बीच पूरे पश्चिमी एशिया में मुस्लिम देशों पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें कतर से लेकर ईरान और जॉर्डन से लेकर इराक, बहरीन, ओमान, कुवैत और सऊदी अरब से पूछा जा रहा है कि वो इसराइल को क्यों नहीं रोक पा रहे। ये सवाल मिस्र से लेकर तुर्की और यूएई से भी पूछा जा रहा है। हालांकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ लाशें रोज गिर रही हैं। हिजबुल्ला के 320 से ज्यादा लड़ाके इसराइल से टकराव में मारे जा चुके हैं। इसराइल के कई इलाके खाली हैं, जबकि हिजबुल्ला के बीच जनाजों का उठना जारी है। إذا كان العدو كما تعلن وسائل إعلامه في كل يوم إذا كان يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه. कभी हिजबुल्ला का कोई कमांडर मारा जाता है तो कभी इजराइल की पोस्ट उड़ा दी जाती है। इस फ्रंट पर रोज खून बह रहा है। ऐसे ही एक हमले में हिजबुल्ला ने ड्रोन स्ट्राइक से इसराइल की एक पोस्ट उड़ा दी। फिर देखी, ड्रोन आया और उसने सटीक टारगेट पर हिट किया। हिजबुल्ला के लगातार हमलों ने उत्तरी इसराइल के कई इलाकों में ऐसे ही आग लगाई है। हिजबुल्ला लेबनान का वो मिलिशिया है जिसे ईरान का समर्थन है। उसने इसराइल की जमीन को अंगारों में बदल दिया है। ये है किरियात शमोन। इसराइल लेबनान बॉर्डर पर इस शहर पर हिजबुल्ला ने ऐसा हमला किया कि चारों तरफ आग लग गई। इस वक्त लेबनान और इसराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्ला मार तो खा रहा है, लेकिन उसने इसराइल को डराया हुआ है। हिजबुल्ला वैसी ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इसराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते नजर आ रहे हैं।
हिजबुल्ला ने निकाली हैं 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जा रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाबिया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्ला ने इसराइल के मेरान एयर सर्वेलांस एयरबेस पर हमला किया। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इसराइल के अड्डे उड़ाए हैं, उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसका हर हमला इसराइल को मुंह तोड़ जवाब है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने इस अड्डे को उड़ाने के लिए 60 से ज्यादा मिसाइल फायर की और सभी अपने टारगेट पर लगी, लेकिन इतनी तबाही भी इसराइल को रोकने में नाकाम रही है। गाजा पर इसराइल की बमबारी में अब तक करीब 38,000 लोग मारे जा चुके हैं। कई लाशें तो अब भी मलबों के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन इसराइल का कहना है कि उसका हर हमला अब हमास को खत्म कर रहा है और रफा में भी उसने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। בפירוש מתקרבים לנקודה שאנחנו אומרים, פירקנו את חטיבת רפיח, היא מוכרעת לא במובן הזה שאין בה יותר מחבלים, אלא במובן הזה שהיא לא יודעת לתפקד כמסגרת לוחמת, יש לה המון הרוגים, ואתם תדאגו. ישראל इस वक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उसने साफ कह दिया है कि जब तक हमास नहीं मरेगा और उसके बाकी 120 बंधक वापस इसराइल को नहीं सौंपे जाएंगे, ये युद्ध जारी रहेगा और वो हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है।